तो एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 एडल्ट मूवी कंटेंट, यानी कि जो कि पैसा भर में और जो कि मोस्ट और हाईली रेटेड मूवीज है ऐसा पार्ट 5 तक, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस सीरीज रही है अभी तक। तो पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और आज के टॉप 10 काउंटडाउन पे हम लेकर आए हैं बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन डायरेक्शन, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, और कईयों का तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है काफी सालों से, जो कि तो इंडिया वालों की तरह सेम अपील ना दिखाते हुए बल्कि स्टोरी के साथ जाता हुआ क्रिंज नहीं, एक बेस्ट स्टोरी जिसमें की जरूरत है एडल्ट मैच्योर कंटेंट, और इसे तभी देखिए अगर आप अपने दिमाग को सेटल रख पाते हैं। तो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं और मूवीजों का बारे में जो कि हम भी देख पाए। हमारे पास है बीबीसी वन की बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम और बहुत सारे लूथर के सबसे खास बात है कि इसमें जो एक्टर है वो है एक्ट्रेस एल्बा, जिनकी एक्टिंग वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि हम बहुत सारी मूवीजों में देख चुके हैं। 4 सीजन एंड काउंटडाउन, एक्शन एंड गॉर एंड ब्लड, अगर आपको ब्लड वाली सीरीज पसंद है तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। नंबर 9 पे हमारे पास है बैंसी, जो कि सिनेमैक्स एंड साथ ही साथ कई बार HBO में भी दिखाई गई। अगेन HBO की सीरीज या सिनेमैक्स की सीरीज है तो इसमें ब्लड, गॉड, सेक्स सब कुछ होगा, साथ ही साथ न्यूडिटी एंड बहुत ही ज्यादा एपिक टॉपिक। डिकेड के सबसे फेमस एक्ट्रेस एंड उनकी ब्यूटी, टॉप 10 हाईएस्ट सेक्सिस्ट वूमेन, एंड ऑल्सो हमारे एंटोनियो बैंडरास, कहानी है एक बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव वूमेन की जो कि अपने छांसे में फंसा देती है एक आदमी को, और धीरे धीरे ये स्टोरी कैसे लिखने के साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिटी कुछ ज़्यादा ही है। नंबर 7 पे हमारे पास है पॉइजन आवी, बहुत ही ज़्यादा फेमस 1992 की मूवी, लेकिन ये मूवी आपको देखते हुए पूरे का पूरा बॉलीवुड याद आ जाएगा, किस तरीके से एक लड़की की फ्रेंड उसके पिता को ही सेक्सुअली अट्रैक्टिव करने लग जाती है जिससे कि वो उसकी प्रॉपर्टी की मालकिन बन पाए। काफ़ी बॉलीवुड से मिलती स्टोरी लेकिन एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट, हॉलीवुड का टच है, और उस हॉलीवुड के टच को देखने के लिए हमें ये मूवी देखनी जरूर बनती है। कल्ट के बेसिस में और बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी ब्लू इज द वार्मेस्ट कलर, यानी कि लेस्बियन, ओपन, गे और गेज के रिलेशनशिप को दिखाती है मूवी, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली और काफ़ी ज़्यादा कल्ट है क्योंकि इन्होंने ओपनली इस टॉपिक पे छेड़ा है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस मूवी को लीव आउट कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है रिक एंड मॉर्टी, 9.3 IMDb रेटिंग के साथ, एनिमेशन भी गॉड हो सकता है इसके बारे में हमने सोचा नहीं था, लेकिन हॉलीवुड हमें कुछ भी गॉड ब्लड के साथ परोस सकता है। तो एक ग्रैंडफादर जो कि अपने पोते के साथ निकल पड़ते हैं दुनिया के इंटरकनेक्शन या फिर बोल दीजिए इंटरडाइमेंशनल ट्रिप पे, और वहाँ पे उनके साथ क्या क्या होता है यही सब ये एनिमेशन सीरीज हमें दिखाती है। नंबर 4 पे हमारे पास है नेटफ्लिक्स की बहुत ही ज़्यादा फेमस एल्टर्ड कार्बन, यानी कि बॉडी मर जाती है लेकिन माइंड मरता है, इस कॉन्सेप्ट पे ये सीरीज बनी हुई है। तो माइंड से दोबारा से एक इंसान को स्टोर किया गया है और फ्यूचर में वो क्या क्या करेगा इसी पे बनी हुई ये सीरीज, लेकिन पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे ये सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, काफ़ी बोरिंग रही, लेकिन इसमें न्यूडिटी, एक्शन और ब्लड बहुत ही ज़्यादा दिखाया गया है तो ये आपको पसंद आ सकती है। नंबर 3 पे माई पर्सनल फेवरेट फार्गो, मार्टिन फ्रीमैन की बेहतरीन एक्टिंग और इसके जो एक्टर्स हैं वन ऑफ द बेस्ट, साथ ही साथ जो कहावत है ब्लड बहुत ही अच्छा दिखता है बर्फ पे, यानी कि स्नोफॉल पे ब्लड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन इसकी स्टोरी को देखने के लिए और इसकी सिनेमाटोग्राफी को देखने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। ये सीरीज़ 2 पार्टों में अवेलेबल है, यानी कि 2 सीजन्स में। नंबर 2 पे बहुत ही हाईली कॉन्मिक्स करता है 18 एपिसोडों के साथ लव, डेथ एंड रॉबर्ट, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट, लव को दिखाते हुए, डेथ को दिखाते हुए एंड रॉबर्ट्स को दिखाते हुए, साइबर पंक मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट की और टीम मेलर का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन। टॉप 10 काउंटडाउन पे हमारे पास है निम्फोमैनियक, एक बहुत ही आर्ट मूवी बनाई गई है लेकिन निम्फोमैनियक टॉपिक पे, यानी कि एक लिबिडो से भरी हुई वूमेन और जो अपनी लाइफ में किस जाती है अपनी अपील को मिटाने के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। साथ ही साथ ये पार्ट इतनी ज़्यादा लेंदी हो गई थी कि इसे 2 पार्टों में बांटना पड़ा। तो आपको हमारा टॉप 10 एडल्ट कंटेंट, मैच्योर कंटेंट या 18+ कंटेंट कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आपको नए टॉपिक्स में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पसंद है, हम बिल्कुल ढूंढ के लाएंगे आपके लिए। इसी के साथ साइनिंग आउट।